क्वेश्चन में हमें कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो लीनियर इक्वेशन हमको गिवन है वो है x by 2 minus 1 upon 5 is equals to x upon 3 plus 1 upon 4। अब देखिए इस इक्वेशन में ये दो x वाली टर्म्स हैं। हम इन दोनों x वाली टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। x by 2 ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर जब हम x by 3 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस x by 3। अब देखिए इस इक्वेशन में माइनस 1 बाई 5 एंड 1 बाई 4 ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। हम इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में लाएंगे क्योंकि 1 बाई 4 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो हम इसको एज इट इज नोट डाउन कर देंगे राइट हैंड साइड में। फिर जब हम माइनस 1 बाई 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 5। हम माइनस 1 बाई 5 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाई 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है x by 2 minus x by 3। हम इनको LCM मेथड से सब्स्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? LCM मेथड में हम डिनोमिनेटर्स का LCM देते हैं, 2 और 3 का LCM हो जाएगा 6। फिर हम पहले डिनोमिनेटर से LCM को डिवाइड करते हैं, फिर उससे जो नंबर आता है उससे हम उसके ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x। फिर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इस सेकंड डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे, फिर उससे जो भी नंबर आएगा उससे हम ऊपर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2x। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आ गया 3x minus 2x upon 6। चलिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसको भी हम एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम आएगा 20। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5। फिर बीच में प्लस है तो लगाएंगे प्लस। 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 4 बन जा होता है 4। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में है 3x minus 2x। तो जब हम 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1x और अपॉन में 6 तो है ही। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर में है 5 प्लस 4 ये होता है 9 और अपॉन में है 20। अब यहां पर न्यूमरेटर में है 1x, 1x क्या होता है x, तो हम यहां से 1 को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में बन गया है x अपॉन 6। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस 6 को यहां से रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम x by 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हम राइट हैंड साइड में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में रह जाएगा x, लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा x। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास में है 9 अपॉन 20 इंटू 6। हम इस 6 को और इस 20 को दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। अब 9 3 हो जाएगा 27 और अपॉन में 10 तो है ही, तो हमारा x आ गया 27 अपॉन 10, यानी कि हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 10। चलिए चेक भी कर लेते हैं कि हमने जो ये सॉल्यूशन बनाया है वो इस इक्वेशन का सही सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है? इसके लिए हम इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है x by 2 minus 1 by 5। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पर 27 अपॉन 10 को पुट आउट करेंगे। हम x की जगह पर 27 अपॉन 10 को पुट आउट करेंगे और अपॉन में 2 भी है तो हम अपॉन में 2 भी लगा देते हैं। फिर आगे है माइनस 1 बाई 5। अब आगे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में है 27, डिनोमिनेटर में है 10 इंटू 2 ये हो जाएगा 20, फिर है माइनस 1 बाई 5। अब हम इसको भी एलसीएम मेथड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20 और 5 का एलसीएम आएगा 20। तो जब 20 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27। फिर बीच में माइनस है तो लगाएंगे माइनस। फिर जब हम 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 बन जा हो जाएगा 4।
न्यूमरेटर में है 27 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 23 और डिनोमिनेटर में है 20। तो जब हमने इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10 पुट अप किया तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया 23 अपॉन 20। चलिए हम इक्वेशन के राइट हैंड साइड में x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10 को पुट अप करते हैं। राइट हैंड साइड हमारा है x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। हम x की जगह पर 27 अपॉन 10 को पुट अप करेंगे, x की जगह पर आएगा 27 अपॉन 10, अपॉन में 3 है तो हम अपॉन में 3 भी लगा देते हैं, फिर है प्लस, फिर है 1 अपॉन 4। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर है 27 और अपॉन में है 10, 3 जा 30, फिर है प्लस 1 बाय 4। अब हम इसको भी एलसीएम मेथड से ऐड करेंगे, ठीक है, 30 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 60। जब हम 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, 27 जब हो जाएगा 54, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस, 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 बन जा होता है 15। जब हम 54 में 15 को ऐड करेंगे तो आएगा 69 और अपॉन में 60 तो है ही है। अब हम इन दोनों टर्म्स को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जब हम 69 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, फिर जब हम 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, तब ये हो जाएगा 23 अपॉन 20। तो जब हमने राइट हैंड साइड में x की जगह पर 27 अपॉन 10 को पुट अप किया तो हमारा राइट हैंड साइड भी आ गया 23 अपॉन 20, लेफ्ट हैंड साइड भी आया था 23 अपॉन 20, राइट हैंड साइड भी आ गया 23 अपॉन 20, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। कब आया? जब हमने x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10 को इस इक्वेशन में पुट अप किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10 इज द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन का। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर।